मेडिकल कॉलेज खारघर में स्त्री रोग प्रसूति तंत्र डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट से कार्यरत हूँ। अभी जैसे आपको पता है कि कोरोना सब जगह फैला हुआ है, तो अगर इस टाइम में आप प्रेग्नेंट हैं तो इसमें प्रेगनेंसी के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायी होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रेगनेंसी केयर इन प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो जो मेरा है उसमें केयर इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड टाइम के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो सबसे ज़्यादा लो हो जाती है, तो इसके टाइम पे आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होता है। तो इसमें आपको अपना भी प्रिकॉशन लेना होता है और आपका बेबी का भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होता है। तो ये एक बात है। सेकेंड थिंग कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पूछते हैं वो ये चीज़ है कि ANC विजिट्स। तो पेशेंट्स ये पूछते हैं कि आपकी ANC विजिट्स आपको रेगुलर रखने हैं कि नहीं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी ANC विजिट्स आप रेगुलर ही रखें और आप उसको कैंसिल ना करें। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पेशेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती है कि ANC के विजिट्स के टाइम के आपको जो टेस्ट करने होते हैं, जो स्कैन्स करने होते हैं, वही टाइम पे होने चाहिए और उसको बाद में नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके रेगुलर ANC विजिट्स आप वही टाइम पे करें और उसको कैंसिल ना करें, पर आप उसको प्रिकॉशंस लेके करें। आप अपने रेगुलर OPD टाइमिंग्स पे, आपको दिए गए OPD टाइमिंग्स पे जाएं, ताकि आप वहाँ पे क्राउड क्रिएट ना करें और वहाँ पे क्राउडिंग ना हो और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाएं। नेक्स्ट थिंग आता है कि इनकेस अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी जैसे कि अगर आपको ब्लीडिंग होता है, अगर आपको डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, आपको आपके फीटल मतलब बेबी के मूवमेंट्स आपको फील नहीं हो रहे हैं और आपको डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स मतलब बेबी घूम नहीं रहा है ऐसा फील हो रहा है, या तो ब्लीडिंग हो रहा है या तो लेबर पेन्स होने लगे, तो आप कभी भी अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कभी भी दिन में या रात में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि सपोज आपको कोई भी सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि फीवर है या बॉडी एक है, ऐसे भी कोई भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हों, तो आप कभी भी अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोरोना के लिए, अगर उनको फील होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसमें आप घर पे बैठ के उसको फ्लू ना समझें या तो पैनिक ना करें, तो आप अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का या जो मदर्स होते हैं उनकी क्वेरीज सबसे ज़्यादा हमारे पास आती है, वो ये आती है कि कोरोना का इफ़ेक्ट हमारे प्रेगनेंसी पे या उनके बेबी पे क्या हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके प्रेगनेंसी पे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक नया वायरस है जो आया हुआ है, ओके। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अभी एक नया इन्फॉर्मेशन रोज़ के रोज़ अपने पास आ रहा है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि न्यू इन्फॉर्मेशन अपने पास आ रही है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन डे टू डे चेंज हो रही है। तो इसका इफ़ेक्ट बेबी के ऊपर एज सच अभी तक अपने पास कुछ भी नहीं आया है, पर हाँ इसमें फॉर श्योर आपको ये बता सकते हैं, अगर मदर को कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी इन द सेंस अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन ऐसी कोई भी बीमारी अगर नहीं है, तो आप ज़्यादा रिस्क में नहीं हैं, तो इसलिए आप फॉर लेस रिस्क में आते हैं। तो पर फिर भी आपको थोड़े बहुत गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे जो गवर्नमेंट ने बताए हैं, जैसे कि आपको हैंड वॉशिंग हर फ्रीक्वेंटली करते रहना है। दूसरी बात है कि आपको हर इसमें हैंड वॉशिंग करते रहना है, सोप वाटर से हैंड वॉशिंग करते रहना है, क्राउडेड जगह पे आपको अवॉइड करना है जाना। आप हो सके तो घर पे ही काम करिए, वर्क फ्रॉम होम का ही करिए। अगर आपको डिलीवरी की डेट पास आ रही है तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपका जो कोई भी है हेल्दी पर्सन है उसे एक जन को ही साथ में लेकर जाइए और हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं साथ में। अभी नेक्स्ट आता है पॉइंट कि अगर घर पे आप हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं।
तो घर पे रहते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फर्स्ट इज आपको हैंड वॉशिंग ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है, वो भी सोप एंड वाटर के साथ। दूसरी बात है, जो कोई भी फैमिली मेम्बर आपका बाहर जा रहा हो उसके साथ कॉन्टैक्ट आप अवॉइड कीजिए। तीसरा है कि आपको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। आपको आपका मील यानी आपका जो डाइट प्लान है वो आपको बराबर से खाना है, आपको डाइटिंग या उपवास वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि आपको योगा एक्सरसाइजेस वो सब आपके जो प्रेगनेंसी के मंथ वाइज जो है वो आपको करते रहना है। प्राणायाम और मेडिटेशन भी आपको घर पे रहते हुए करना है। नेक्स्ट ये है, आपको जो है बेबी टॉकिंग भी करते रहना है ताकि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आए बेबी के साथ बात करने में। मतलब बेबी टॉकिंग, वूम में जो बेबी टॉकिंग होता है वो करते रहना है। जितना हो सके आप कोरोना के न्यूज़ कम देखिए ताकि नेगेटिविटी ना फैले आपके अंदर। तो ये जो है, अगर आपको पसंद आए हो तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।